अरे बाबू भैया नमस्कार। नमस्कार राजू, अब क्या नमस्कार कर रहा है? अरे तूने हेरा फेरी थ्री में इतनी तगड़ी फीस मांग ली कि तू हेरा फेरी थ्री मूवी से ही बाहर हो गया। अरे जब तक अपना तीनों हेरा फेरी सीरीज में ना हो तू अन्ना मैं तब तक कैसी हेरा फेरी बनेगी ये बता। ये बात सोच सोच के ही मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। अरे बाबू भैया टेंशन मत लो, अब तुम्हारा वजन बढ़ने का टाइम आ गया। मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप झूम जाएंगे। मेरी हेरा फेरी थ्री के निर्माता और निर्देशक दोनों से बात चल रही है। हेरा फेरी थ्री में मैं दोबारा नजर आ सकता हूँ, बस कंफर्म खबर कुछ दिन बाद दूंगा मैं आपको। अरे अक्की तूने बहुत बढ़िया खबर सुनाई, बहुत बढ़िया खबर सुनाई। तू जल्दी हेरा फेरी थ्री के निर्माता निर्देशकों के साथ अपनी बात पक्की कर ले। तेरे बिना किस बात की हेरा फेरी, तू ही बता। मैं और बाबू भैया पूरा पूरा दिन पीपल के पेड़ के नीचे यही बातें करते रहते हैं कि अक्की के बिना कैसे हेरा फेरी बनेगी। और गदर 2 की शूटिंग करने के बाद थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए सनी भैया भी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। अरे अक्षय तू हेरा फेरी 3 के निर्माता निर्देशकों के साथ अपनी बात जल्दी पक्की कर ले। अरे कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें फीस मायने नहीं रखती, फीस को मत देख तू। देख गदर मूवी को ही देख ले, मैंने जरा सी फीस ली है गदर 2 के लिए, लेकिन वो फिल्म ऐसी है उसे दर्शक बहुत प्यार से देखते हैं। तू ही बता मेरे बगैर गदर 2 बन सकती थी? इसी तरीके से हेरा फेरी 3 तेरे बिना बिल्कुल भी दर्शक पसंद नहीं करेंगे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।